मॉर्निंग क्लास, आज हम लोग एक टॉपिक को स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वांटम संख्या। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी कि पहले हम लोग थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर एटम के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। एटम स्मॉलेस्ट इनडिवाइजेबल पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का, और उस एटम में जो बेसिक फंडामेंटल सिस्टम होता है वो आप लोग समझ लीजिए। एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, धनावेश होता है, और उसके चारों ओर कई सारे सेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स बोलते हैं। ये पहली कक्षा है, फर्स्ट सेल है, या इलेक्ट्रॉन का फर्स्ट ऑर्बिट है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, ठीक है। अपना उनका एक प्रॉपर ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में वो मूव करते रहते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों को क्वांटम नंबर पढ़ाने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू क्वांटम नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स, और हाउ टू फाइंड द अदर नंबर्स फ्रॉम द वन क्वांटम नंबर। अगर हमको किसी एक क्वांटम नंबर की जानकारी है तो हम दूसरी क्वांटम संख्या को कैसे पता करते हैं? तो पहले तो हम लोग ये समझ लें कि क्वांटम नंबर क्या चीज होती है और इनका क्या यूज है और किस पर अप्लाई होती है। बेसिक बात समझ लीजिए। अभी मैं बात कर रहा हूं एटम की। एटम का ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद जो पहली ऑर्बिट होता है, पहला ऑर्बिट होता है, उसके लिए एम की वैल्यू 1 होती है और उसको के नाम से पुकारा जाता है, के। इसके बाद एन की दूसरी एटम की जो दूसरा ऑर्बिट होता है उसके लिए एन की वैल्यू 2 होती है। एन का मतलब ऑर्बिट नंबर बोलते हैं और इसको एल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड ऑर्बिट होता है जिसके लिए एन की वैल्यू 3 होती है, एम कहते हैं। ऐसे ही और भी होते हैं जिसके लिए एन इज इक्वल टू 4 होता है, तो इसको के बोलेंगे। पहले ऑर्बिट को, दूसरे ऑर्बिट को एल बोलते हैं, तीसरे ऑर्बिट को एम, और चौथे ऑर्बिट को, फोर्थ ऑर्बिट को एन बोलते हैं। तो के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से कई सारे ऑर्बिट होते हैं एटम में, और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहां भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में भी मूव करेंगे। तो कहने का आशा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहीं भी हो सकती है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा हो सकता है सेकेंड वाले में हो, थर्ड वाले ऑर्बिट में हो। इनको ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं, या तो कहेंगे इनको क्या कहेंगे, इनको हम लोग या तो कहते हैं ऑर्बिट, ये क्या है, इनको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, या फिर कह देते हैं सेल। ये सेकंड ऑर्बिट है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये आप देख रहे हैं फोर्थ ऑर्बिट है। तो ये ऑर्बिट बोलते हैं इनको, या बोलते हैं सेल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, पूरा ये कंप्लीट इस तरीके से। ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, इस तरीके से कई प्रकार के ऑर्बिट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहां भी हो सकती है, फर्स्ट में हो सकती है, सेकंड में, थर्ड में, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो मतलब किसी एटम में कोई इलेक्ट्रॉन कहां छिपा है या कहां मूव कर रहा है, इस बात को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए जिन नंबर्स का यूज करते हैं उनको कहते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? एक तरीके से एटम में जो इलेक्ट्रॉन का जो पूरा आधार कार्ड नंबर है ना, जैसे व्यक्ति का होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटम नंबर है वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पूरी लोकेशन को बता देता है कि ये इलेक्ट्रॉन जिसकी क्वांटम नंबर ये है, ये यहां होगा, इसकी एनर्जी इतनी होगी, इसका स्पिन इतना होगा। सारी इंफॉर्मेशन जो है क्वांटम नंबर्स बता देती हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, कि ये पूरा जो एटम जिसके बारे में हमने आपको अभी
थोड़ा सा प्रीव्यू दिया कि ये कोई एटम है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, हमें उनसे अभी कोई मतलब नहीं है। अभी हम बात करने की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, हम लोग इलेक्ट्रॉन को सर्च कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में हो सकता है के, दूसरे ऑर्बिट में हो सकता है एल, एम, एन, ठीक है, ये नाम रख दिए गए। पहले ऑर्बिट को के कहते हैं, पहले सेल को जो फर्स्ट सेल होती है, पहली कक्षा हिंदी में कहेंगे, पहली कक्षा को के कहते हैं, दूसरी कक्षा एल, तीसरी कक्षा एम और चौथी कक्षा एन ओ पी, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। तो इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है, और ये जो कक्षाएं होती ना, ये कक्षाएं ये फिर अंदर डिवाइडेड रहती हैं किस में, तो ये जो आप कक्षाएं देख रहे हैं जिनको ऑर्बिट कहते हैं, इनको हम लोग हिंदी में कक्षा कहते हैं या फिर कहते हैं इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। ये कक्षा यानी ऑर्बिट उपकक्षा में डिवाइडेड रहती है, जिनको हम लोग उपकक्षा यानी सब ऑर्बिट या फिर यूं कहें सब सेल कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों की जो क्लासरूम होती है ना, क्लासरूम, क्लासरूम में रो बनी रहती है, लेफ्ट साइड राइट साइड, कुछ बच्चे लेफ्ट साइड बैठ जाते हैं, कुछ बच्चे राइट साइड बैठ जाते हैं, और बीच में एक गैलरी छोड़ दी जाती है, जिससे कि बच्चे आने जाने में कहीं जाना है तो उसमें उनको कोई परेशानी का सामना ना हो। पूरी क्लास में बच्चे एक साथ नहीं बैठते हैं, अगर बैठते हैं कहीं तो वो गलत अरेंजमेंट है। प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, बीच में एक गैलरी दी जानी चाहिए, क्लास के 50% बच्चे इस साइड बैठे हो, 50% बच्चे इस साइड बैठे हो। बिल्कुल वैसे ही जो कक्षा होती है जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, इसी को सेल कहते हैं, ये डिवाइडेड रहती है। उपकक्षा जिसको हम लोग सब सेल कहते हैं, ये सब सेल फिर से डिवाइड हो जाती है, और इसको कहते हैं कक्षक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बोलते हैं। ये ऑर्बिटल में डिवाइडेड रहती है, ये जो ऑर्बिटल होते हैं इनमें भरे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑर्बिटल में है उसका स्पिन दो प्रकार का हो सकता है, उसका स्पिन क्लॉकवाइज हो सकता है, उसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे स्पिन एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, कैसे क्लॉकवाइज हो जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग प्रीव्यू जो समझ रहे हैं वो इतना समझ रहे हैं कि परमाणु जो है, परमाणु जो बेसिक जानकारी अभी हमने दे दी कि परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं जिनको के एल एम एन, जिन्हें कक्षा कहते हैं, ये कक्षा भी कहलाती है, हिंदी में कक्षा बोलते हैं। कक्षा के अंदर उपकक्षा होती है, उपकक्षा में कक्षक होते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन दो टाइप के स्पिन रखते हैं। इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन होता है क्लॉकवाइज, जिसे हम लोग प्लस हाफ से दर्शाते हैं, और एक स्पिन होता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको माइनस हाफ से दर्शाते हैं। अब बात आती है मुद्दे की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्वांटम नंबर्स क्या है, क्वांटम नंबर क्या है। जिस तरीके से किसी व्यक्ति, एक पर्सन, कोई पर्सन ले लें हम, ये मान लीजिए ये पर्सन ले लिया, कोई पर्सन है और वो उस पर्सन का नाम है एक्स, और वो कहां रहता है, कोई पर्सन एक्स है वो कहां रहता है, तो हमें क्या चाहिए, हाउस, हाउस नंबर चाहिए, हमें वार्ड नंबर चाहिए, हमें कॉलोनी का नाम चाहिए, हमें सिटी का नाम चाहिए, हमें स्टेट का नाम चाहिए। तो ये क्या हो गया, उस व्यक्ति का क्या हो गया, ये उस व्यक्ति का हो गया पोस्टल एड्रेस, ये चीज क्या हो गई, उस व्यक्ति का पोस्टल एड्रेस हो गया। ये जो उस व्यक्ति का पोस्टल एड्रेस हो गया, हाउस नंबर क्या है, वार्ड नंबर क्या है, कॉलोनी का नाम क्या है, सिटी का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है। यदि हमें किसी पर्सन, किसी व्यक्ति एक्स तक पहुंचना है, तो हमें उसके लिए क्या चाहिए, हाउस नंबर चाहिए, वार्ड नंबर चाहिए, कॉलोनी कौन सी ये जानकारी चाहिए, सिटी कौन सी ये जानकारी चाहिए, स्टेट कौन सा ये जानकारी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी है तो इस जानकारी को हम लोग कहते हैं पोस्टल एड्रेस।
मतलब अगर ये सारी चीजें आपको पता है तो आप उस व्यक्ति तक पहुंच जाएंगे। अब चलिए दूसरी बात करते हैं, अब हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढने का प्रयास करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो भी पोस्टल, जो क्वांटम नंबर होती है वो इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस होती है। तो जो क्वांटम नंबर की हम लोग बात कर रहे हैं, यहां हम लोग लिख सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स इज द पोस्टल पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। मतलब ये कि जो क्वांटम नंबर होते हैं, क्वांटम संख्याएं होती हैं, क्वांटम नंबर्स इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कहने का आशय यह हुआ कि क्वांटम नंबर को सीधे शब्दों में संक्षेप में अगर कोई बात कहे तो क्वांटम संख्या पोस्टल एड्रेस होती है परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का। इस बड़े से परमाणु में, इस एटम में इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है, देखो यहां हो सकता है इलेक्ट्रॉन दूसरी किसी कक्षा में है, यहां मतलब कहां है, तीसरी कक्षा में कहीं हो सकता है, चौथी कक्षा में कहीं हो सकता है। अब चलिए ये तो कक्षा की बात हो गई, कक्षा के बाद किस उपकक्षा में है, क्योंकि एक ही कक्षा में कई सारी उपकक्षाएं होती हैं। कक्षा जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं, एक ऑर्बिट में कई सारे सब ऑर्बिट होते हैं और उनके अंदर कई सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो किस ऑर्बिट में है, उसके किस सब ऑर्बिटल में, सब ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिटल में है और क्या स्पिन है, ये सारी जानकारियां जिनसे मिलती है, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। तो ये बेटे क्वांटम नंबर्स के बारे में प्रीव्यू मैंने आपको अभी बताया। तो परमाणु के अंदर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी और स्पिन को एक्सप्रेस करने वाले नंबर्स को हम लोग क्वांटम नंबर्स कहते हैं। कुल मिलाकर के डेफिनेशन क्लियर ये हुआ कि क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो एटम में इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस एक्सप्रेस करते हैं, पोस्टल एड्रेस की तरह होते हैं। और आप लोग ये कह सकते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, पोजीशन और स्पिन, एनर्जी पोजीशन स्पिन, पोजीशन एनर्जी और स्पिन को एक्सप्लेन करने वाले या एक्सप्रेस करने वाली जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो चलिए ये हमने बता दिया किसी पर्सन का जो पोस्टल एड्रेस होता है वो उसी के जैसा इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर होता है। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स के बारे में एक हल्की सी जानकारी प्राप्त की कि क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन की परमाणु के अंदर लोकेशन को ट्रेस करती हैं, वो बता देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति है एक्स, जिसकी बात मैंने की थी, मान लीजिए वो व्यक्ति गोलू है, कोई गोलू, और ये अर्थ है, ये अर्थ है, और अर्थ पे हमें गोलू को सर्च करना है, गोलू कि ये गोलू जो है अर्थ पर कहां है ये सर्च करना है। तो हमें क्या चाहिए भाई, उसका पोस्टल एड्रेस चाहिए। ध्यान रखना, गोलू को अगर आप अर्थ पर सर्च करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस चाहिए। अब पोस्टल एड्रेस में क्या क्या शामिल होता है, देखो भाई पोस्टल एड्रेस में शामिल होता है हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कॉलोनी का नेम, सिटी, स्टेट और कंट्री, या लास्ट में कंट्री के बाद एक और चीज जिसे हम लोग कहते हैं पिन कोड। ये पिन कोड एक ऐसा नंबर होता है कि आपने अगर पिन कोड ही डायल कर दिया तो पता चल जाएगा कहां का पिन कोड है, खत्म, ठीक है।
काफी कुछ प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं, ठीक है। तो पोस्टल एड्रेस में हमें हाउस नंबर, वार्ड नंबर, कॉलोनी, कॉलोनी, सिटी, स्टेट, पिन कोड आदि की आवश्यकता होती है। अगर हम पृथ्वी पर किसी व्यक्ति को ढूंढना चाह रहे हैं तो हमें उसका पोस्टल एड्रेस पता होना चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं एटम, साइज में मत जाइए, ये जो अर्थ है बहुत बड़ी होती है, ये एटम बहुत छोटा होता है। लेकिन ये एटम छोटा जरूर होता है, लेकिन इस एटम की तुलना में इलेक्ट्रॉन और छोटा होता है। तो जो एटम होता है उसमें यहां पर गोलू नहीं है, यहां पर कौन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन को हमें पता करना है, सर्च करना है कि इस एटम में इलेक्ट्रॉन कहां है, किस देश में है, किस स्टेट में है, और किस स्टेट के किस शहर में है, उस शहर के किस मोहल्ले में है, मोहल्ले के किस वार्ड में, और किस नंबर पर है, हाउस नंबर क्या। ये इस टाइप की जो जानकारी होती है इसको भी हम लोग कहते हैं पोस्टल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। और ये पोस्टल एड्रेस रिप्लेस, कन्वर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा है। यहां तो हम पोस्टल एड्रेस कहेंगे, यही पोस्टल एड्रेस कहलाती है, यहां पर क्वांटम नंबर, यही पोस्टल एड्रेस जो होता है वही कन्वर्ट हो गया किसमें, क्वांटम नंबर। इसीलिए अभी हमने एक वर्ड लिखा था क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स इज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो पोस्टल एड्रेस होती है वो क्या होती है, क्वांटम नंबर्स होती है। और ये क्वांटम नंबर्स में क्या, अब यहां कुछ चेंज हो जाएगा, पोस्टल एड्रेस वाला काम नहीं चलेगा, ये पोस्टल एड्रेस थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, किसमें, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन क्या है, एल की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू क्या है, और एस की वैल्यू क्या है, ये सारी चीजें। ये एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखते हैं, ये जो मैंने वीडियो बनाया केवल क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर का प्रीव्यू देने के लिए है। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें पूरा क्वांटम संख्या बिल्कुल आपको सिस्टमैटिकली, ये क्वांटम संख्या सीखने के लिए एक प्री वीडियो हमें बनाना पड़ा है। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन से डिनोटेड करते हैं, दूसरे वाला क्वांटम नंबर होता है जिसे कहते हैं एजुमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा वाला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा वाला होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा ये क्वांटम नंबर पता होने के साथ ही हमें पोस्टल एड्रेस की जरूरत नहीं है। पोस्टल एड्रेस के लिए क्या चाहिए, हमें क्वांटम नंबर चाहिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, ये सारी चीजें यदि हमें पता चल जाएंगी तो इस परमाणु के, इस बड़े से परमाणु के अंदर छोटे से इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं कि वो कहां है। अब ये बताती क्या है, ये जो क्वांटम नंबर्स है ये बताती है कि इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो क्वांटम नंबर्स होती है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी एनर्जी और स्थिति यानी पोजीशन और स्पिन यानी चक्रण की जानकारी देती है। ये क्वांटम संख्या है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या है, उसकी स्थिति क्या है। ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, हम लोग इंग्लिश में एनर्जी। स्थिति को क्या कहते हैं, पोजीशन, कि इलेक्ट्रॉन कहां है। चक्रण को क्या कहते हैं, स्पिन। इनकी जानकारी देती है। तो क्वांटम नंबर्स क्या करती हैं, पूरी स्थिति बता देती हैं। जिस तरीके से किसी व्यक्ति के एड्रेस से आपको आइडिया लग जाता है उसके एड्रेस में पहुंचेंगे वो व्यक्ति कितना धनी है, उसकी एनर्जी क्या है, पता चल जाएगा।
आप किसी व्यक्ति के घर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कितना अर्थ संपन्न है, कितना प्रॉस्परस है, कितना पैसे वाला है, घर जाने पर पता चल जाएगा। उसकी स्थिति क्या है, वो शहर में किस जगह रहता है, स्थिति ऐसे इलेक्ट्रॉन परमाणु में किस स्थिति में है, ये पता चल जाएगा। और उसका स्पिन कैसा है, अगर आप किसी व्यक्ति के घर जाएंगे तो आपको बिल्कुल जानकारी हो जाएगी कि उसकी इकोनॉमी कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, शहर में वो कहां रहता है, ये भी जानकारी हो जाएगी। और अगर आप उससे मिलेंगे तो आपको ये भी जानकारी हो जाएगी कि उसका व्यवहार कैसा है मोहल्ले में, समाज में, और व्यक्ति कितना प्रतिष्ठित है या किस प्रकार का व्यक्ति है। आप अगर उसके घर पहुंचते हैं, ये सारी जानकारी आपको उसके घर और आसपास के वातावरण से हो जाएगी आपको। तो बेटा ये क्वांटम नंबर्स हैं। क्वांटम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं, द नंबर्स विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पोजिशन, एनर्जी एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थिति, चक्रण आदि की जानकारी मिलती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। इन क्वांटम नंबर्स की हेल्प से ही इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पता चल जाएगी, इनकी हेल्प से आपको स्थिति पता चल जाएगी, इनकी हेल्प से आपको इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है इस बात की भी जानकारी हो जाएगी। तो हमने आपको बता दिया क्वांटम नंबर क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस होती है परमाणु के अंदर, और ये क्वांटम नंबर्स कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। पहली वाली जो क्वांटम नंबर है ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा बताती है कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी है, जिसे हम लोग इंग्लिश में ऑर्बिट कहते हैं। दूसरी वाली क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा बताती है, जिसको सब ऑर्बिट कहते हैं या सब सेल कहते हैं। तीसरी वाली क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक की जानकारी देती है कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक कौन सा है, ऑर्बिट जिसे बोलते हैं। और चौथी वाली क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी देती है, चक्रण क्या है। चलिए अगर इसको इंग्लिश में बताना पड़े तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग मुख्य क्वांटम संख्या हिंदी में बोलते हैं, कक्षा की जानकारी देती है और यह बताती है कि ऑर्बिट कौन सा है, और यह सब ऑर्बिट या यूं कहें कि सब सेल जो ज्यादा प्रचलन में है, सब सेल कक्षक, यानी कक्षक को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल की जानकारी देती, और चक्रण को इंग्लिश में कहते हैं स्पिन के बारे में जानकारी देती है। तो ये क्वांटम नंबर्स हैं, चार प्रकार की क्वांटम नंबर्स होती हैं। हर प्रकार की क्वांटम नंबर कुछ बातों को बताती है। पहली वाली क्वांटम नंबर कक्षा, इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्या है। दूसरी वाली क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा क्या है, भाई कक्षा तो ठीक है के है, उसके अंदर कितनी उपकक्षाएं और इलेक्ट्रॉन किस उपकक्षा में है, इस बात की जानकारी ये देती है। तीसरी वाली क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो ये वाली क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के कक्षक की जानकारी देती कि इलेक्ट्रॉन का कक्षक क्या है। और ये जो चौथे नंबर ये क्वांटम संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की, किसी जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो कैसा है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। भाई इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है, गति करता है, तो वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो उसके रोटेशन के कारण भी स्पिन बनता है, तो वो क्लॉकवाइज स्पिन हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, किस टाइप का स्पिन है उसको एक्सप्लेन करती है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये क्वांटम नंबर्स के बारे में मैंने बता दिया, एक बार आपको डेफिनेशन जरूर लिख देते हैं, जिससे कि आपको डेफिनेशन तो कम से कम यहां क्लियर हो जाए कितने प्रकार का होती है क्वांटम नंबर्स। चलिए मैं डेफिनेशन, तो चलिए अब क्वांटम नंबर्स की परिभाषा देख लेते हैं, क्वांटम संख्याएं क्या है। अगर ये डेफिनेशन लिखनी हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं वे संख्याएं जिनसे किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, उन्हें हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं।
क्वांटम संख्या परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस होती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसके पता की जानकारी होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को खोजने के लिए या इलेक्ट्रॉन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। और ये क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? चार प्रकार की। तो चलिए मैं डेफिनेशन एक बार लिख देता हूं। वे संख्याएं जिनसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति की सही जानकारी प्राप्त होती है क्वांटम संख्या कहलाती है। ऊर्जा स्थिति के साथ साथ एक चीज और जोड़ सकते हैं, चक्रण। ठीक है, ऊर्जा स्थिति और चक्रण की भी जानकारी प्राप्त होती है। वे संख्याएं जिनसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति की सही जानकारी, यह संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, क्वांटम संख्या कहलाती है। क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस होती है। पोस्टल एड्रेस होती है, ठीक है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हमें उसके एड्रेस की आवश्यकता होती है, वैसे हमें इलेक्ट्रॉन की जानकारी करने के लिए हमें क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है। ये चार प्रकार की होती हैं। अब इसी को मैं इंग्लिश में लिख देते हैं। द नंबर विच प्रोवाइड्स द नंबर्स ब्रिज प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन द नंबर्स विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अबाउट पोजिशन कॉमा इनर्जी अबाउट द पोजिशन एनर्जी एंड स्पिन पोजिशन एनर्जी एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। ये कहलाती बेटा क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये क्वांटम नंबर्स कहलाती हैं। सीधे शब्दों में कह सकते हैं क्वांटम
नंबर्स, क्वांटम नंबर्स एट एज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कि जो क्वांटम नंबर होते हैं, जो क्वांटम नंबर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का एटम में पोस्टल एड्रेस की तरह होते हैं, पोस्टल एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन का किसी एटम में। तो द नंबर विच प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट मतलब संपूर्ण जानकारी अबाउट द पोजिशन यानी स्थिति, एनर्जी यानी ऊर्जा, स्पिन यानी चक्रण, अभी मैंने जिक्र किया था इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड क्वांटम नंबर्स, और क्वांटम नंबर्स एक्ट एज द पोस्टल एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो बेटे हम लोग सीधे से कह सकते हैं किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो पोस्टल एड्रेस होती है वो क्वांटम संख्या होती है। क्वांटम नंबर्स की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रेस कर सकते हैं कि इस बड़े से एटम में, एटम बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी हम कंपेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इलेक्ट्रॉन के साथ एटम का कंपैरिजन बहुत बड़ा है। तो इस इलेक्ट्रॉन का एटम में स्थान क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है और उसका स्पिन क्या है, इन सारी चीज़ों को जो एक्सप्रेस करने वाली नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। और ये चार प्रकार की होती हैं। पहले प्रकार की जो क्वांटम नंबर है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसको हम लोग कहते हैं मुख्य, हिंदी में मुख्य क्वांटम संख्या। इसको कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या और इसको डिनोट करते हैं, बाद में हमने बता दिया था पहले। दूसरे नंबर का होता है एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में दिगंशी क्वांटम संख्या। इसके बाद जो तीसरी नंबर की होती है उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथे नंबर की होती है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे कहते हैं हम लोग चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या, तो ये बेटे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये बेटे चार प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं और ये चारों प्रकार की क्वांटम संख्याएं इलेक्ट्रॉन की कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन देती हैं। ये इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी है यानी सेल कौन सी है इसकी जानकारी देती है, सब सेल कौन सी है इसकी जानकारी देती है। चलिए ये बात भी यहां मेंशन कर देते हैं, ये जो क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी है इसकी जानकारी देती है, एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाली क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा की जानकारी देती है, स्मॉल एन से स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन के कक्षक की जानकारी देती है, स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है,
और ये जानकारी देती है चक्रण, इलेक्ट्रॉन की चक्रण की जानकारी देती है, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। कक्षा को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, उपकक्षा को सब सेल कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्बिटल कहते हैं, इसको हम लोग स्पिन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारियां मैंने अभी आपको क्वांटम नंबर्स की डेफिनेशन के बारे में बता दिया, वे संख्याएं जिनसे किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा व स्थिति की सही जानकारी प्राप्त होती है क्वांटम संख्या कहलाती हैं। क्वांटम संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉन का पोस्टल एड्रेस की तरह होती हैं। ये चार प्रकार की होती हैं, जैसे किसी व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उसका पोस्टल एड्रेस की जानकारी आवश्यक होती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए या उसकी जानकारी जुटाने के लिए जो क्वांटम संख्याओं की कुछ संख्याओं की आवश्यकता होती है, उन संख्याओं को हम लोग क्वांटम संख्या कहते हैं। इन संख्याओं से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की जानकारी मिल जाएगी, उसकी पोजीशन क्या है इसकी जानकारी मिल जाएगी, और उसका स्पिन क्या है इन सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इसे नोट कर लें, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, अगले वीडियो में हम क्वांटम नंबर के टाइप कौन कौन से हैं और एक क्वांटम नंबर से दूसरी क्वांटम नंबर को कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसके संबंध में ये वीडियो मैंने क्वांटम नंबर का प्रीव्यू देने के लिए बनाया था। देखने के लिए धन्यवाद।